अमन दुनिया से यारी क्या, अमन दुनिया से यारी क्या। राधा स्वामी संतों के वचन सुनो तो आपको थोड़ा दिल को ऊपर उठने का वक्त मिलता है। पढ़कर सुनकर और उस पर अगर चल पड़ो तो कुछ तो बात ही क्या है। सिर्फ सुनने से बात नहीं बनेगी। अब कबीर साहब ने कह दिया कि हमारा यार है हम में, तो क्या वो केवल कबीर साहब में ही था? नहीं, आप सब में भी वही है। वो जो है जिसका इशारा कबीर साहब ने कहा वो सब में है, मगर हमारे अंदर क्या, हमारे अंदर दुई है। दुई उन्होंने आखिर में कहा, कबीरा दुई को दूर कर दिल से। दुई मीन दूसरे का ख्याल, किसे दूसरे देवी का, देवते का, या किसी और का। जहां तक बाबा फकीर ने कह दिया गुरु का भी करना नहीं चाहिए, गुरु का भी ध्यान छोड़ दो, इससे परे और क्या सच्चाई हो सकती है। अगर तुम गुरु के शरीर के साथ भी बंध गए, गुरु के ध्यान ही करते रह गए, तो तुम आगे नहीं जा सकते हो। वो भी दुई है। किसी धार्मिक स्थान से जुड़ गए हो और उसका चक्कर आपके पास लगा हुआ कि इस दिन जाना है, इस दिन जाना है, तो भी आप दुई में हो। दुई तो होनी नहीं चाहिए कि वो है, वो है, वो मेरे खट में है और कुछ भी नहीं है। जिससे जिस जगह से या जिस इंसान से, पवित्र इंसान से मुझे वो ज्ञान मिला, वो मुबारक है, वो पूजनीय है, वो आदरणीय है, वो जिंदगी का सहारा है। बाहर में, अंदर में नहीं। अंदर में उनका वचन आपका सहारा होगा। क्या कहा मैंने? तो आज मैं एक आपको नया शब्द सुना रहा हूँ दाता दयाल जी महाराज का। ये जो मार्ग है, ये मार्ग जो संत मत का मार्ग है, या महापुरुषों का मार्ग है, या गुरु मत है जिसको कहते हैं, वो हमें एक नई दुनिया में ले जाने का प्रयास करता है। वो उस दुनिया में कौन जा सकता है, पहले तो सवाल ये है। इस दुनिया में वो जो दूसरी दुनिया है, जो जहां हमारा यार रहता है, जहां तुम असल में रहते हो, वो मन नहीं है, वो आत्मा नहीं है, उसको अपना यार कहा किसने? कबीर साहब ने कहा। वो क्या है? वो माल के कुल है, वो माल के कुल की अंश है। जब तुम्हें उसका इशारा मिल जाएगा तो तुम दुनिया से पार चल जाओगे। तो इसलिए सबसे पहले संत मत में जो बात कही गई है वो है कि पहले अपनी दुनिया को सुखदायक बनाओ। जिसकी दुनिया ठीक नहीं है उसका दीन ठीक नहीं हो सकता। जिसका संसारिक जीवन ठीक नहीं है वो अध्यात्म का अधिकारी नहीं बन सकता। इसलिए मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी ने अपनी जिंदगी का अनुभव का निचोड़ निकाल कर बता दिया कि अगर आप वहां पहुंचना चाहते हो तो पहले इंसान बनो, पहले इंसान बनो और बाकी कुछ मत बनो, ना धार्मिक जगत का कुछ बनो, ना जातीय का कुछ बनो, या किसी नीति का कुछ बनो। पहले केवल तुम इंसान बनो, वो इंसान जिसमें कोई द्वेष नहीं है, जिसमें कोई ईर्ष्या नहीं है, जिसमें कोई शत्रुता नहीं है, जिसमें कोई चिंता नहीं है, जिसमें कोई डर नहीं है, जिसमें कोई भय नहीं है, जो किसी को डराता नहीं ना वो डरता है। क्या कहा मैंने? पहले वो बनो, तब जाकर तुम उसके अधिकारी बन सकते हो। और उसके लिए करना क्या है, दाता दयाल जी का शब्द सुनाता हूं कि ए इंसान तू पहले मानव बन। जो था, जो तेरा रूप है वो मानव का रूप है। तू पशु रूप नहीं है, पक्षी रूप नहीं है, जानवर रूप नहीं है, तू मानव रूप है। और मानव रूप को माल के कुल का रूप माना गया है। और कई शास्त्र तो कहते कि तुम ही माल के कुल के रूप हो, मालिक ने तुम्हें अपने रूप में बनाया है, ऐसा भी संतों ने कहा। तो फिर क्या कहें कि हम जो दाता दयाल कहते हैं वो हमने करना है, तब जाकर हमें हकीकत का पता लगेगा। अगर हम करनी नहीं करेंगे, रहनी नहीं रहेंगे, हम उस ससुर को नहीं अडॉप्ट करेंगे जो सतगुरु ने कहा,
तो हम कुछ भी पा नहीं सकते हैं। फिर हमारा जीवन एक पशुओं जैसा जीवन होगा। क्रोध आ गया, क्रोध में बह गए, या लालच हो गया तो लालच में बह गए, मोह हो गया तो मोह में बह गए, तो फिर हम कहीं ठिकाने का है ही नहीं है। इसलिए तात्या दयाल का एक शब्द सुनाता हूँ आज आपको। तीन दिन से मैंने ये मेरे पास था, मैंने कहा ये शब्द निकाल, ये दो दफा मैंने इसको पढ़ा खुद, फिर मैंने इसको समझा कि दाता ने क्या क्या कहा, फिर अपने आप को इसमें मिलाया कि क्या तुम्हें इस पर चले हो, क्या तुम्हें इनका समझ लग गई, किस पर चलने से तुम्हें क्या मिला, वो मैं आपको बताने लगा हूं। चल गया पढ़ गया। मानुष जन्म सुधारो साधो, मानुष जन्म सुधारो। अब साधो कहा, कबीर साहब ने भी साधो कहा और सभी संतों ने साधो, गुरु ग्रंथ साहब में भी साधो को ही ज्यादा क्या कहा। क्या मतलब इसका, साधु होता कौन है? साधु वो होता है जो मन की चाल को समझने की कोशिश करता है, वो साधु है। जो मन के पीछे नहीं चलता, जो मन की साधना करता है, जो जी मन को देखता है, मन है क्या, मन क्या चीज है, मुझे कहाँ ले जा रहा है, क्यों ले जा रहा है, क्या कारण है, जो मन का एनालिसिस करता है, जो मन के विचारों का एग्जाम करता है अंदर बैठा हुआ, वो साधु है। कपड़े डालकर साधु नहीं बनेगा, या मालाएं डालकर साधु नहीं बनेगा, या तिलक लगाकर भी साधु नहीं बनेगा, वो सब पखंड है, वो झूठ है, वो धोखा है। जो जिस रूप में तुम्हें मालिक ने इस संसार में पैदा किया, जब हम पैदा हुए कोई जटा जूट नहीं थे, कोई तिलक नहीं लगाया हुआ था, कोई माला नहीं पहनी हुई थी, हम एक सिंपल बच्चे के रूप में आए थे, न दीन का पता था न दुनिया का पता था। वो बनना है, वो बनना है। कब बनोगे? दाता दयाल जी महाराज कहते हैं पहले साधु बनो। साधु का मतलब ये नहीं कि घर छोड़ दो, ये नहीं बात नहीं। घर में रहते हुए, हर चीज का कारोबार करते हुए, अपनी ड्यूटी को पूरे दिल से करते हुए, अपने आप को अपने आप से अलग मत हो, अपने आप में बह ना जाओ, अपने आप में ठहराव में आ जाओ। जैसे का फिर कर बैठो हर जन प्यारे, सतगुरु तुम्हारे का स्वर है। जब हम फिर नहीं होंगे, बैठेंगे नहीं, इस शरीर को बैठाएंगे नहीं और फिर मन को नहीं ठहराएंगे, तब तक हम साधु बनेंगे नहीं। साधु वही होगा जिसका अपने शरीर और मन पर नियंत्रण हो गया, वो साधु हो गया। इसलिए क्या करना, फिर बैठकर पढ़ो आप। मानुष जन्म सुधारो साधु, मानुष जन्म सुधारो, अपनी करनी पार उतरनी, अपनी करनी पार उतरनी, मन में समझ विचारो। पहली बात कंडीशन लगा दी दाता दयाल जी महाराज, तुम पार जाना चाहते हो, पार मीन कहां पार जाना है, मन से परे। जो मन से परे चले जाएगा वो वहां जा सकता है, जो मन से परे नहीं जाएगा वो वहां जा नहीं सकता, क्योंकि मन में दुनिया है, मन में संसार है, मन में अपना है, मन में पराया है, मन में मित्र भी है, मन में शत्रु भी है, मन में धर्म है, मन में कर्म है, मन में कर्म कांड है, मन में यात्रा है, मन में व्रत है नहीं, है ना सब कुछ। तो पहले करनी करो, क्या करनी करना है कि अपने मन को ठहराना है, वो करनी है। एक कर्म होता है, कर्म होता है जिससे हमारा जिंदगी का व्यवहार बनता है, वो कर्म है। कर्म जो हाथों से करते हैं, लिखने से करते हैं, पढ़ने से करते हैं, नौकरी से करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, दुकानदार, वो कर्म है हमारा। वो कर्म भी नेक होना चाहिए, ये नहीं कि लूट मार करनी शुरू कर दें, हम अपना ही देखें दूसरों का कुछ ना देखें। वो निस्वार्थ होकर दुनिया में रहो, स्वार्थी मत कर बनकर रहो। जो स्वार्थी बन जाता है वो उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकता। स्वार्थ में बंधन है, परमार्थ में बंधन नहीं है, दो बातें हैं।
एक स्वार्थ है दुनियादारी, एक परमार्थ है जो दुनियादारी नहीं है। वो केवल इंसान ऐसे रहता है जैसे जल में कमल निरालम मुर्गा भी निशानी है। वो जैसे जल में कमल का फूल होता है, उसको डुबो दो फिर निकालो, उसके पत्ते सूखे होते हैं, उस पर पानी नहीं लगता। ऐसे मुर्गा भी है, मुर्गा भी एक पक्षी है जो पानी में उतर जाता है, नीचे चला जाता है, फिर ऊपर आ जाता है, उसको उसके जो पंख है वो गीले नहीं उड़ जाता है, फिर आ जाता है, उड़ जाता है। ऐसे जिंदगी में रहना चाहिए कि हमने करनी करना है, करनी करना करो। करने का मतलब ये है कि शरीर के लिए जो चीज चाहिए इसको देना है, और वो हक हलाल का देना है, और जो पहनना है वो मौसम के मुताबिक पहनना है, जो देखना है वो केवल इस ख्याल से देखना कि ये सब कुछ मालिक की अपनी लीला है, जो सुनना है वो केवल वो सुनना है जिससे तुम्हारे मन को ठीक रास्ता मिले, तुम्हारा मन विचलित ना हो, वो सुनना है। क्या खाना है, वो खाना है जो सुपाच्य हो, जो तुम्हारे शरीर को पच जाए, तुम्हारे पेट में कोई तकलीफ ना हो, कोई ज्यादा नहीं खाना। ये रहनी मैं बता रहा हूं आपको, और रहनी के बाद करनी आती है। जब तुम्हारा पेट ही ठीक नहीं है, तुमने खूब खाया हुआ है, या लेट उठते हो, रात को 12 बजे सोते हो, दिन को 8 बजे, फिर तुमने क्या रहनी करनी, कहां बैठ सकते हो तुम? जिस मर्जी भगवान से तुम नाम ले लो, जिस मर्जी गुरु से नाम ले लो, तुम्हें पता ही नहीं है कि हर रात के पिछले हिस्से में एक दौलत लुटती रहती है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो सो गए वो खो जाते हैं। हर इंसान को सुबह तड़के जाग आती है, 4 बजे या 4:30 बजे, 5 बजे लगा लो, लेकिन वो कहता चलो सो लो, कभी अभी सर्दी बहुत है और सो लो, बस वो सो गया तो 8 बजे उठेगा, फिर नहीं उठ सकता। सबको जाग आती है, मैं जानता हूं इस बात को, लेकिन लोग उस इशारे को परवाह नहीं करते। इसलिए पहले रहनी ठीक करो और फिर करनी में आ जाओ। जिसकी रहनी ठीक नहीं है उसकी करनी कैसे ठीक हो सकती है? वो बैठ ही नहीं सकता, उसके दिमाग में तो हर वक्त वही ख्याल चलते रहेंगे, आज कैसे ढेरा फेर करनी है, आज किसको लूटना है, आज क्या झूठ बोलना है। देख ही रहे हो दुनिया में क्या हो रहा है, सब कुछ देखो, लेकिन अब तो दिल करता है कि दुनिया को देखना ही बंद कर दो। क्या लेना दुनिया से देखकर? कबीर साहब ने कह दिया मन को, इश्क मस्ताना हमें दुनिया से यारी क्या। दुनिया हमारी नहीं है, ये दुनिया हमारी नहीं है, संसार हमारा है। संसार क्या है? संसार जो तुम्हारे मन के ख्याल हैं, जो तुम्हारे मन के विचार हैं, तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हारा संसार है, जो दुनिया तुम्हारी नहीं है। वो संसार को ठीक करो, अपने अंदर के संसार को ठीक करो, तुम्हारा वही संसार है, तुम्हारी वही दुनिया है। मेरा अपना ही विचार, मेरे अपने ही ख्याल, मेरी अपनी ही कल्पना, मेरी अपनी ही कामना, मेरी अपनी ही वासना, मेरा संसार है। क्या कहा मैंने अशोक कुमार? उसको ठीक कर लो, बाकी दुनिया की क्या कहूंगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं, फिर पढ़ो ये लाइन, अपनी करनी पार उतरनी मन में समझ विचार। अब ये विचार करो कि क्या मैं करनी कर रहा हूं, क्या मैं अपना संसार ठीक कर रहा हूं। बाहर की दुनिया तो हो जाएगी, नौकरी करते हो, पेंशन मिलती है, दुनिया बन गई, मैंने क्या लेना और क्या लेना, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। मेरी बात समझिए, पहले अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो। पहले सबसे पहले ये है कि तुम्हारी संसारिक जो कर्तव्य है, तुम्हारा रिश्ता है माँ का, बाप का, बेटे का, बहन का, पहले वो ठीक करो भाई। जिसका ये ठीक नहीं है वो भी नहीं काम कर सकता। पहले दुनिया बाहर की, फिर जब वो ठीक होगी फिर अंदर का संसार, वो करनी होगी। बाहर की क्या है, बाहर का क्या है, वो रहनी है, वो कर्म है। दोनों चीजों का फर्क बता रहा हूं आपको मैं, कोई नहीं बताएगा। बाहर की रहनी है
बाहर का कर्म है मन द्वारा किया जाएगा और आपका सारे का सारा तुम्हारी बुद्धि द्वारा किया जाएगा। जब आप करने में आओगे तो केवल मन को ही संभालना है, मन के ख्याल को पवित्र करना है, मन के ख्याल को पॉजिटिव करना है, मन के ख्याल को अपने आप को खोजने की बात करनी है कि तुम ए मन मेरे, तू इस जग में आके क्या दस कर्म कमाया। ये गुरबाणी कहती है, शरीरा मेरिया तू इस जग में क्या तू कर्म कमाया। फिर वो कहते हे आंखों मेरी तुमने क्या देखा, ऐ सरवणों मेरे तुमने क्या सुना, ऐ रसना मेरी तुमने क्या वचन कहा। ये गुरबाणी में एक शब्द है, मैं बचपन में पढ़ता होता था, अब मुझे भूल गया। एक एक शरीर को बताया है उस गुरु महाराज ने, उस महापुरुष ने, कि तुम इसकर पूछो, अपने आप से सवाल करो, किसी से सवाल क्या करना है, तुम्हें उसका उत्तर अपने आप से मिलेगा, आपके अंदर मिलेगा। यही तो करनी है, इसको कहते करनी। विचार करो, सोचो, जो सुना जाके गुरु के पास बैठो और वचन उनके सुनो, जो सुनो उनको विचारो, जो विचारो वह गुणो, ये कह रहे दाता दयाल जी महाराज, और यही मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे। आगे बढ़ो। अपनी करनी पार उतरनी, मन में समझ विचारो, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जन्म जुआ मत हारो सारो। उसूल बता दिया दाता दयाल जी महाराज, ये अटल उसूल है, ये अटल सत्य है कि जो कर्म तुमने करना है उसी का फल तुम्हें मिलेगा। बाहर में जो कर्म करोगे उसका फल अलग है, अंदर में जो कर्म करोगे उसका फल अलग है। अंदर का कर्म तुम्हें बाहर पहुंचा देगा जहां से तुम आए हो, बाहर का कर्म तुम्हें दुनिया में फंसाएगा और तुम जन्म जुआ हार जाओगे। जन्म जुआ क्या होता है, जुए में क्या काम करते, मैंने तो वैसे खेला नहीं, बाबा खीजे ने बोला कि मैंने अपने जीवन में जुआ भी खेला और 100 रुपया हारा, ऐसा उन्होंने पैसे भी बताए थे। वो क्या है, जिंदगी की कमाई को बर्बाद कर देना, वो जुआ है, कुछ नहीं मिलता। लालच में आदमी आ जाता है, आज 20 रुपया लगाओ 40 मिल जाएंगे, 20 भी गए 40 भी ना मिले, फिर 100 लगाओ 1000 मिलेगा, ना 1000 मिला ना 100 मिला, वो भी गए। ऐसे लोग बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। मेरे पास एक टेलीफोन आया लुधियाने से, नौजवान लड़का, उसका पिता मानवता मंदिर में आया करता था, उसके घर में शब्दानंद जी महाराज जाया करते थे। वो स्वयं भी एक दफा जहां आया मेरे पास सत्संग पर आया, तो मैंने उनका, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैंने कहा आपकी कैसे गुजर हो रही है, मैं तो महाराज जी घर में नहीं, मैं जो हम शहर में जाते हैं तो वहां जितने बूढ़े होते हैं हम सब बैठ के मैं उनको सत्संग कराता हूँ। मैं कहा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप पर अच्छा काम कर रहे हैं, बुजुर्गों को ठीक रास्ते पर ले जा रहे हो। बात खत्म हुई, उसके लड़के का फोन आया कि मेरे पिताजी को पता नहीं क्या हो गया बाबा जी, वो घर की चीजें भी सब बेच रहे हैं। घर की चीजें बेच दी उन्होंने, बर्तन बेच दिए या और कोई बहुमूल्य चीज होगी जाके बेच दिया। मैंने कहा बच्चा आपके मन, आपके पिता का जो मन है ना वो गलत रास्ते पर चला गया है, जा तो उसको तू मेरे पास लेकर आया, उसको मैं जरा बताऊं तू कहां से आया था। कहता जी वो किसी का कहने नहीं मानता, अब तो अपनी मर्जी करता है। क्या कहा मैंने, मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये ऐसा क्यों हुआ, इसलिए हुआ कि गुरु मत को भूल गया वो, इस करके हुआ कि गुरु की वाणी को नहीं समझा उसने, खुद ही गुरु बनकर बैठ गया। क्या कहा मैंने, कोई इंसान जब कुछ कहता है कि मैं ये हूं, वो कभी भी अपने रास्ते पर नहीं चल सकता, वो फेल हो जाएगा।
हम मैं यहाँ आपका गुरु नहीं हूं, ना ना मैं संत हूं, ना मैं महात्मा हूं, मैं सिर्फ बाबा फकीर जी महाराज के सत्संगियों का सेवक हूं। क्या कहा मैंने? मैं तुम्हारी सेवा के लिए आता हूं, मैं कोई सत्संग देने के लिए नहीं आता। और ये सेवा में से मुझे क्या मिलता है? मुझे करनी का फल मिलता है। क्या कहा मैंने? करनी, जिसको मैं पहले समझता हूं फिर तुम्हारे में बांटने की कोशिश करता हूं। इसलिए कह दिया कि जो तुम कर्म करोगे उसका फल तुम्हें मिलेगा। बाहर में हेरा फेरी करोगे तो दुखी रहोगे, झूठ बोलोगे तो भी दुखी रहोगे। कुछ भी कर लो, जो फ्री अब फ्री हो, तुम जन्म जुआ हार रहे हो, तुम जो करना चाहिए वो नहीं करते हो, सिर्फ पेट के लिए, अपने नाम के लिए, अपने धाम के लिए, अपने पता नहीं क्या क्या इंसान करता है। उसको जागा हुआ नहीं है, वो सोया हुआ है। उसने अपने मन को भी मार दिया है, अपनी बुद्धि को भी किसी दूसरे के हवाले कर दिया है, वो कैसे पार हो सकता है? इसलिए क्या कहा इस लाइन में? क्या लाइन पढ़ो? जैसी करनी वैसी भरनी। दुनिया में ईमानदारी से चलोगे, दुनिया में किसी को दुख नहीं दोगे, दुनिया से हेरा फेरी नहीं करोगे, झूठ नहीं बोलोगे, तो वो तुम्हारे अंदर बैठा है। तुम्हारी जिंदगी सुखदायक हो जाएगी। कोई भूखा नहीं मरता। अरे भाई, कोई भूखा नहीं मरता। तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी के हर पदार्थ को पहले ही दिया है। तुम इस बात को नहीं समझ सकते। कल मैं बाहर खड़ा तो दो जानवर मैं देखे चुगते हुए। मेरे मकान के साथ बाहर खुली जगह है, बड़ी बड़ी टांगों वाले। मैं देखूं कि ये क्या खा रहे हैं? क्या कुछ नजर तो आ नहीं रहा खाने के लिए? ये क्या खा रहे हैं? फिर भी वो दोनों खा रहे हैं। उनको पता कौन सी चीज हमने इस घास से लेनी है, उनको पता जमीन से कौन सी चीज उठानी है। फिर एक जानवर मैंने और देखा, लंबी चोंच वाला। वो आया, उसने जमीन में ऐसे 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 चोंच मारी, ऐसे ऐसे। फिर वहां से उसने कीड़ा निकाला, उसको खा गया। उसके भी लिए प्रबंध किया हुआ है, जमीन में किया हुआ है ना। तो चाहे जो जो भी जीव पैदा हुआ है उसके लिए उसका पदार्थ पहले आया हुआ है। चाहे वो जमीन में है, चाहे वो जमीन के ऊपर है, चाहे वो पानी में है, चाहे वो आकाश में है, जहां भी जो कुछ है सबके लिए तैयार है। तो क्या इंसान जिसको मालिक का रूप कहा गया है वो भूखा है? यहां उसके लिए भी सब कुछ रखा हुआ है। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। हम ऐसे ही कह देते हैं क्या? जिसने ये बात कही उसको पता है। बाबा नंद सिंह जी हुए बहुत अच्छे प्रचारक, बहुत अच्छे कथावाचक थे, अच्छी सोच वाले। मैं देखे तो नहीं लेकिन उनको मैंने सुना। वो कहते हैं जब मालिक ने, दो बातें बताऊंगा, जब मालिक ने लंगर लगाया सब जीवों के लिए कि तुम्हें क्या खाने को मिलेगा, मातृरोग में तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें क्या है, बेशक रोचक बात लेकिन बात सच्ची है। हर जीव के लिए निश्चित कर दिया कि तुम्हें जे मिलेगा जे मिलेगा। उससे पहले कहते हैं कि ये जो हमारा कुत्ता है, कुत्ता जिसको दरवेश कहते हैं, उसको कहा भे तुम बाहर गेट पर बैठ जाओ, गेट पर बैठो, पहरेदार रहो, जा जब मैं बुलाऊंगा तो तब आपने आना। वो तो वहां बैठ गया। तो सब जानवरों को दे दिया, सबको दे दिया, और इंसान को भी लैंड में ला लिया, उसमें औरतें भी है इंसान, तो सबको जो भगवान है ऐसे बुक पर पढ़ कर डाल रहा है, ये तेरा भाई, ये तेरा भाई, ये तेरा, जब ये खत्म हो जाएगा तो दुनिया को छोड़कर आ जाएगा। नंद सिंह जी बाबा कहते हैं कि जब मैंने ऐसे पल्ला किया, सब पल्ले में लेते थे ना, तो पल्ला किया तो मुझे पल्ले में नहीं डाला भगवान ने, तो उन्होंने ऐसे छट्टा दे दिया, ऐसे फेंक दिया। कहते नंद सिंह के महाराज मेरे को क्या हुक्म हुआ? कहते तुम सारी उम्र घूमते रहोगे, तुम्हारा खाना एक जगह नहीं है,
कहते इसलिए मैं चला हुआ हूँ, मैं ये कथा करता हूँ और खा लेता हूँ, जहाँ जाता हूँ कथा कर लेता हूँ खा लेता हूँ, मेरी बात समझिए। आखिर में कुत्ते की बारी आई, कुत्ता आया, कहता महाराज मेरा खाना। ओहो तुझे तो मैं भूल ही गया, अच्छा बैठ, ये मैंने खाना खाते हुए टुकड़ा रखा था, ये तेरा, तू तेरे को एक टुकड़ा भी मिल जाएगा ना तो तेरा को सबर हो जाएगा, तू तो तेरा पेट भर जाएगा, और ये बात सच्ची है। ये वो कुत्ते नहीं है जो कार में चलते हैं वो कुत्ते नहीं है ये, वो कुत्ते इंसान का ही बना हुआ है, जिसने कुत्ते के साथ प्यार किया वो आखिर में क्या बनेगा, जड़ भरतिक राजा हुआ, जड़ भरतिक राजा हुआ। कथा है कि वो शेर शिकार खेलने गया तो वहां हिरण का बच्चा मिल गया, वो ले आया, उसको पाला, वो बड़ा हो गया, बहुत प्यार, सुबह भी उसके साथ, दोपहर भी उसके साथ, शाम भी उसके साथ, वो जब वो बड़ा हुआ वो दौड़ गया अपने जंगल को दौड़ गया, और राजा भरत बहुत दुखी हुआ और उसी दुख में मर गया। कहते हैं उसकी फिर उसका फिर जन्म क्या हुआ, हिरण का जन्म हुआ, लिखा हुआ है। ये बात हम चैलेंज कर सकते हैं क्या, तो जो जिससे प्यार करेगा उसको उसी का रूप भी धारण करना पड़ेगा। इसलिए ये नहीं कहीं भी कहा गया कि घरों में कुत्ते पालो, मगर आज तो ब्राह्मणों के घरों में भी कुत्ते हैं, गाय नहीं कुत्ते रखे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया रखे, टॉप के 25-25, 40-40 हजार के। तो क्या कहा, तुम्हारा ही कर्म तुम्हें भोगना पड़ेगा, जहां तुम्हें मोह है, जहां तुम्हें प्यार है, जहां तुम्हें अटैचमेंट है, वही तुम्हारा जन्म होगा और उसी रूप में होगा। इसलिए कहा है संसार में, ऐ इंसान तू प्यार कर, किससे कर प्यार कर, बाहर में, किस लिए, कि तेरा संसार बाहर में सुखी हो जाए, और प्रेम कर किससे, अपने आप से, प्रेम बाहर नहीं होता, प्रेम अपने आप से होता। हमन को इश्क मस्ताना, हमन दुनिया से यारी क्या, हमें अपने आप से प्रेम करना है। तुम अपने आप को देखो, तुम कौन हो, ये हमने क्यों चक्कर में पड़ना, हमने गले में क्यों फांसी डालनी कि फिर आना पड़े, फिर जन्म लेना पड़े, फिर दुख उठाना पड़े, ये क्या है, खेल है, कुछ भी नहीं है, खेल लिया इसी जन्म में, बाबा फकीर मिल गए, बाजू पकड़ लिया, अब पीछे को मुड़कर क्यों देखना है, क्या कहा मैंने, पढ़ो फिर आगे पढ़ो। धन संपत्ति और हाट हवेली एको काम न आवे। अब थोड़ा सा यहाँ हमारे में वैराग्य पैदा किया गया है दाता दयाल जी ने, धन संपत्ति हाट हवेली ये किसी भी काम नहीं आएगी, कब कब काम नहीं आएगी, जब तुम चोला छोड़ोगे, ये साथ नहीं जाएगी। वैसे ये चाहिए, हाट हवेली के बगैर कैसे गुजारा करोगे, जंगल में रहना, बाहर धूप में मरना है, ठंड में मरना है, सब कुछ चाहिए। नामदेव जी महाराज ने शब्द क्या करूं, मुझे अब पुराने शब्द भूल गए, अब वो किताबें नहीं मिलती जो पढ़ा करता था मैं कभी, वो कहते हैं ऐ भगवान मुझे क्या चाहिए, एक झोंपड़ी चाहिए, एक गाय भी चाहिए, पत्नी भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए, ताकि मैं जिंदगी के सारे अनुभव ले लूं, ये सब कुछ चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, बनाओ कोठियां, बनाओ फर्स्ट क्लास, बनाओ संपत्ति भी होनी चाहिए, भूखे थोड़ी मरना है, वो भी होनी चाहिए, धन संपत्ति और हाट हवेली सब चाहिए, लेकिन उसके साथ अटैच ना हो। मैंने कल परसों भी कहा कि मेरे सज्जन को आए, बेटे ने मकान बनाया, उसने बैठकर बड़ी शिफ्ट की, कहते बहुत अच्छा मकान बनाया, मैं कह बच्चों ने रहने के लिए बनाया, मुझे भी सुख मिला इसमें, लेकिन मेरा असली महल ये है, मेरा जहां मैं रहता हूं, जहां मैं रहता हूं वो ये है, अगर मकान में कोई गड़बड़ होगी नहीं, इसमें गड़बड़ होगी ना, तो इसमें गड़बड़ होगी तो मैं दुखी होगा, क्या कहा मैंने, ज्यादा खा लिया तो भी दुखी, भूखा रहा तो भी दुखी, नींद नहीं आई तो भी दुखी, कब्ज हो गए तो भी दुखी, हो गए कि नहीं, इसी से हो गए, मकान ने तो थोड़ी बीमारी नहीं दूर करनी,
मकान ने तुहानू मन की शांति नहीं देनी, मकान ने केवल तुम्हें धूप से, गर्मी से, सर्दी से सुरक्षा देनी है। पैसा तुम्हारे काम आएगा, कमाओ कमाओ, क्यों नहीं कमाना चाहिए। मैं तो कहूँ ना, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी रखो। मैं अभी बता रहा था वहां के, मेरे पास और पांचवी गाड़ी है। चार गाड़ियां मैं पहले ली, दो बच्चों को दे दी, फिर मैं ले ली, फिर ले ली, फिर ले ली, अब पांचवी, क्यों ना रखूं भाई। दाता ने दी सब था, बच्चे अच्छे दे दिए नेक, वो अपने अपने कमा रहे हैं, तो फिर क्यों ना सुख दुनिया का लूं। दुनिया का सुख भी साथ होना चाहिए, अगर दुनिया का सुख नहीं है तो अंदर का सुख भी नहीं मिलेगा। इसलिए जो बाहर दुखी वो अंदर भी दुखी, क्या कारण है। पहले बाहर सुख पैदा करो, अंदर सुख पैदा हो जाएगा, वरना तुम अंदर भी दुखी रहोगे। जाको दर्शन इत है, डाको दर्शन उत, जाको दर्शन इत नहीं, ताको इतना उत। उस दो दुनिया जोर हुआ खेल लिया उसने। इसलिए दादा दयाल जी महाराज ने जिस ढंग से कहा वो उस ढंग से कहा। मैं क्योंकि बाबा फकीर जी ने मुझे जो शिक्षा दी कि सब कुछ होना चाहिए लेकिन उनमें फंसना नहीं है। महाराज जी ने बताया, बाबा फकीर जी ने, फकीर अब तो तुम्हें अच्छी तनख्वाह मिलती होगी। कहते हाँ महाराज, घर वालों को विश्वास दिला दो कि तुम्हारा तन भी उनका, तुम्हारा मन भी उनका, तुम्हारा धन भी उनका, मगर तुम उनके नहीं हो। क्या कहा मैंने, ये फकीर जी महाराज के वचन है। तुम ना किसी के बनो, बाकी सब कुछ दे दो। सब कुछ देने में बड़ा सुख है, सब कुछ में चिमटने से सुख नहीं है। जब तक जागृत में हो खूब दुनिया का खेल खेलो, जब दुनिया में हो दुनिया का खेल पूरा खेलो, थक जाओ, मन को थका दो। इसलिए कभी सामने का मन तू थकत थकत थक जा, कब सारे काम कर ले। उनको ही नहीं रहा, थक गया आदमी। दिल से दिन को मेहनत करता है खूब डट के, मजदूरों को देखो खूब डट के काम करते हैं, पत्थरों पर ही सो जाते हैं, वहां उनका मन कहाँ रहता है, क्योंकि वो थक गए, शरीर रूप से थक गए। एक मन से थकना होता है, एक आत्मा से थकना होता है, एक फिर अपने आप में जाकर थक जाना होता है। वहां से नीचे आने को दिल नहीं करता, वहीं ठहर जाओ। क्या कहा मैंने, आगे बढ़ो। धन संपत्ति और हाट हवेली एको काम न आवे, यह बंधन है जम की फांसी, यह बंधन है जम की फांसी, अंत काल पछतावे। इनसे बंधना नहीं है कि हाय जे मेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं। कैसे कैसे मैं साबित कर देता हूं तुम्हारा, तुम्हारे साथ क्या। तुम पहले बना लो जो मर्जी बना लो, मैं क्या कहता हूं बनाना चाहिए। मैंने नहीं क्या बनाए, मैंने भी मकान बनाया रहने के लिए, प्रोफेसर था उसके मुताबिक मकान बनाना पड़ा। जैसी तुम्हारी रहनी, जैसा तुम्हारा कर्म है, जैसा तुम्हारा स्टैंडर्ड, उसके मुताबिक मकान बनाओ। लेकिन उसमें क्या कहा, फिर पढ़ो यही लाइन, यह बंधन है जम की फांसी, अंत काल पछतावे। जम की फांसी है इनके बंधन। अब बात को ध्यान से सुनना, मैं बाहर की बात छोड़ देता हूं। मुझे तो बाबा फकीर जी ने कहा बच्चा मन की किताब पढ़ना। जब मन की किताब पढ़ने लगा तो मन तो मेरे शरीर में है ना, तो शरीर फिर अलग होया, मन अलग हो गया। शरीर और चीज है, मन और चीज है। शरीर जो है वो स्थूल सुख देता है और स्थूल दुख भी देता है। शरीर, बात को समझो मैं क्या कहने लगा हूं, इस शरीर से आपको शारीरिक दुख भी होता है, होता नहीं। शरीर में दर्द हो गई, दुख हो गया, शरीर में कोई बुखार आ गया, दुख हो गया। ये शरीर तुम्हें स्थूल जो पता लगता है दुख देता है, ये शरीर तुम्हें
शरीर सुख भी देता है, सूक्ष्म सुख देता है। कब? जब तुम सो जाते हो, उस वक्त इसके जो टूटे हुए सेल होते हैं दिन में काम करने के बाद वो दोबारा बन जाते हैं, तुम सुबह फिर फ्रेश होकर उठते हो। दोनों बातें लग गई। अब रहा दूसरी बात, मन। मन हमें तरह तरह के दुख देता है। मन अपने अपने प्राय का दुख देता है, मन दोस्ती और दुश्मनी का दुख देता है, मन घाटे और नफे का दुख देता है। क्या क्या दुख बताऊं आपको, वो हमें चैन नहीं लेने देते, वो चैन नहीं लेने देते। और शारीरिक दुख तो डॉक्टर को मिलोगे, वो दवाई दे देगा, ठीक हो जाएगा। मन तुम्हें तब तक दुख देगा जब तक तुम्हें कोई गुरु ना मिल जाए कि मन से आगे चले जा बेटा। और वो क्या सुख है, वो नाम दान है। जब तक कोई उस नाम का सिमरन नहीं करेगा जो गुरु देता है, उससे क्या होता है कि एक तो तुम्हारे वो चिंतन जो चला हुआ है वो रुक जाता है, तुम नाम के साथ जुड़ जाते हो, तुम बाकी सारे ख्याल छोड़ देते हो। अगर नाम मिला है तो सारे ख्याल छोड़ने पड़ेंगे और केवल नाम से जुड़ना होगा तो तुम्हें एक बहुत आनंद मिलेगा। अगर नाम मिला है लेकिन मन ठहरता नहीं, कभी इधर चलता है, कभी उधर चलता है, कभी उधर चलता है, फिर आखिर तुम मन का वो सिमरन ही करना छोड़ देते हो, फिर छोड़ देते हो, फिर क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मन जो है ये एक और चीज है, ये हमारा साथ मौत तक तो चलेगा, सिर्फ शरीर तुम्हारे साथ, मन मौत के बाद भी रहता है। अगर तुम्हारी अटैचमेंट कहीं रह गई, अगर तुम कहीं फंसे रह गए, अगर तुमने जम जन्म जुआ हार जुआ क्या है, जम किसको कहते हैं, जम वो ख्याल है जो हमारे अंदर से निकलते हैं, वो जम है। बात को पकड़ो मैं क्या कह रहा हूं। अगर वो अच्छे हैं तो वो धर्म के ख्याल है, अगर वो बुरे हैं तो वो जम दूत के ख्याल है। वो तुम्हें खींच लेंगे नीचे को, वो तुम्हें नीचे खींच लेंगे और तुम बाहर नहीं जा सकते। और वो है बंधन। बंधन किसे, गुरु के देह से भी बंधन हो सकता है, गुरु के आश्रम से भी बंधन हो सकता है, किसी तीर्थ स्थान से भी बंधन हो सकता है, किसी प्रॉपर्टी से भी बंधन हो सकता है, किसी घर के मेंबर से भी बंधन हो सकता है, किसी पशु पक्षी से भी बंधन हो सकता है। क्या कहूं मैं, क्या क्या गिन लूं मैं आपको। तो वो मन का बंधन है, इन बंधनों को नाम के सिमरन से काटना पड़ता है। वो काटो तब जाकर तुम इन बंधन से फ्री हो सकते हो, वरना सुबह में भी वही, शाम को भी वही, दिन को भी वही, रात को भी वही हालत आपकी रहेगी। क्या कहा मैंने, आगे बढ़ो। मात पिता भाई सुत बंधो, संग न कोई सहाय। आखिरी बात है, आखिरी बात, कोई किसी का साथ नहीं देता। लेकिन जब तक हम शरीर में हैं, जरा करके देखो, बहू के बच्चे को माड़ा मार के देखो, फिर वो कह दे कि दादे दे कोल नहीं जाना, ना दादे नु पानी देना, ना कुछ भी नहीं देना, रहने दे, मरने नु उतने बैठा बुढ़ा तंग कर दे सारे नु। क्या कहा मैंने, तुम्हें संसार में प्यार करना ही पड़ेगा। और वो प्यार मोह में नहीं होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए उसमें, मोह जिसको कहते हैं हाय ये मेरा, आए इसको चोट लगी, ओए होए होए बहुत बुरा होया, लग गई तो लग गई, तू हूं की करना, डॉक्टर नु दिखा दे, तू बेचैन क्यों हो गया, तू काहे के रोने लग गया, किस लिए। मोह और प्यार में बहुत फर्क है। प्यार इज ड्यूटी, मोह इज अटैचमेंट। प्यार में ड्यूटी करो, पति के रूप में, पिता के रूप में, दादे के रूप में, दादी के रूप में, वो ड्यूटी करो, लेकिन हाय हाय मत करो। क्या कहा मैंने, दादा आखिर में कोई भी साथ नहीं देगा। आखिर में कौन साथ देगा, तुम्हारी करनी, तुम्हारा नाम स्मरण किया हुआ, गुरु की आज्ञा का पालन किया हुआ, गुरु के शब्द को पकड़कर अंदर से मन से
आजाद होने का रास्ता ले लो तो तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। जागृत में खूब सबसे मिलो, हंसती खेलते मिलो, घर आया अम्मा जाया सबकी सेवा करो। वहां मन सोचे मत कहो कि मैं मेरा नहीं थोड़े ना कोई लेना देना, ले फिर रोटी कितो खानी है, कौन तुम्हारी सेवा करेगा, कोई भी नहीं करेगा। माता को माता के रूप में पूजा करो, पिता को पिता के रूप में पूजा करो, बच्चों को ड्यूटी समझकर उनको पालो पोसो और फिर आराम से बैठ जाओ। ड्यूटी की बात खत्म। अटैचमेंट नहीं, मैं कहा मोह नहीं करना है, फंसो मत। कन्हैया जी महाराज यही कहा करते, सभी काम करो, सभी दुनिया का व्यवहार करो, घर की सब कर्तव्य पूरे करो, मगर फंसो नहीं। क्या कहा मैंने, ये मेरे सतगुरु के वचन हैं। ये नहीं समझना के मेरा तेन आखिर से साथ नहीं देना, और साथ तो तेरे शरीर ने भी नहीं देना। क्या कहा मैंने, बाकियों की तो बात ही छोड़ दे, तेरे शरीर ने तुम्हें छोड़ देना। और शरीर का छोड़ना पहले शुरू हो जाता है, शुरू में हो जाता है, कान बंद हो गए, चलो हो गया बोला, फिर दांत चले गए, चलो वो भी गया, अखां दी रोशनी गई वो भी गया, गया ना, पता लग रहा है कि चल रहा है सब कुछ, जो मेरे साथ आया था वो मेरे साथ छोड़ रहा है, और फिर स्थूल शरीर भी छोड़ना ही पड़ेगा। ये सत्य है, ये अटल सत्य है, कोई शरीर में हमेशा नहीं रह सकता, कोई मन में भी हमेशा नहीं रह सकता, और कोई आत्मा में भी हमेशा नहीं रह सकता। अगर हमेशा रहने वाली केवल एक हस्ती है, वो तुम्हारे अंदर है, उसको सुरत कहते हैं। वो शरीर नहीं है, वो मन भी नहीं, आत्मा भी नहीं, लेकिन उसके बगैर अगर वो नहीं है तो आदमी बेहोश माना जाता है, ना वो बोल सकता है, ना वो सुन सकता है, ना वो हाथ हिला सकता है, हालांकि शरीर उसका ठीक है, नब्ज चल रही है, हार्ट चल रहा है, सांस भी ले रहा है, लेकिन सुरत वहां से ऊपर अपने ठिकाने चली गई, वो कुछ भी नहीं है, वो मिट्टी पड़ा है। क्या कहा मैंने, इसलिए बात को समझना है, गहरी बातें हैं ये गहरी बातें हैं, ये वैराग्य की बात है, लेकिन हम दुनियादार हैं, पहले दुनिया को ठीक कर लो, फिर दीन अपने आप बन जाएगा। दुनिया से ही दीन पैदा होता है, वैराग्य पैदा हो जाता है इंसान का, जब वो सब कुछ देख लेता है तो अपने आप वैराग्य पैदा होता। ये थोड़ी है कि कोई घटना घट में घट गई वैराग्य पैदा हो गया, और कुछ नहीं मैं चल गया, मेरा तो कोई भी नहीं रहा करते, मैंने तो कोई नहीं पूछता, चलो, वो वैराग्य नहीं है। वैराग्य होता है ज्ञान से वैराग्य होता है कि मैं और हूं, ये दुनिया और है, दुनिया में मैंने अपना कर्तव्य पूरा करना है, दीन में मैंने अपना चिंतन करना है, मैंने करनी है, मैंने अपने आप की खोज करनी है, वो मेरा अपना फील्ड है, मन का बुद्धि का बाहर की दुनिया है, इसमें मैंने इनका पूर्ण प्रयोग करना है, मन को भी थकाना है और बुद्धि को भी आखिरी लिमिट तक पहुंचाना है कि जो जे प्राप्त कर सकती है प्राप्त करना है। आगे चलिए। मात पिता भाई सुत बंधो संग न कोई सहाय, गुरु की दया से काज संवारो, गुरु की दया से काज संवारो, बनत बनत बन जाए। गुरु की दया से क्या बनाओ, काज संवारो, काज गुरु की दया ले लो। गुरु की दया क्या है, गुरु का वचन, गुरु की आज्ञा, गुरु का आदेश, वो ही उनकी दया है। जैसे कोई बच्चा, जैसे तुम्हारा बच्चा है, आपने उसको कोई ड्यूटी दी, बेटा ये कर ला, उसने कर ली और आपके पास आया, दादाजी आज मेरे 100 में से 99 नंबर आए हैं, तब तुझे खुश नहीं होगे, होगी कि नहीं। ये है गुरु की ड्यूटी, ये है दादे की ड्यूटी कर दी उसने, दादे ने कहा, पिता ने कहा, बच्चा आज आते समय स्कूल से वहां ये काम करके आना, वो करके आएगा, बाप पापा मैं कर आया सी, अच्छा बेटा बहुत अच्छा किया, खुशी होगी कि नहीं होगी। ऐसी गुरु का आदेश है
कि जो तुम्हें आपको अकेले में कोई आदेश मिला है, आप अगर उसका पालन करोगे तो गुरु की आज्ञा का आपने पालन किया तो गुरु की दया तुम्हारे ऊपर होगी। ये कभी हो नहीं सकता। जो पालन नहीं करता उसकी नहीं, उसके पर नहीं दया हो सकती। जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है बच्चे की तरह, एक सच्चे शिष्य की तरह, फिर गुरु तो उसके पास भी पहुंच जाता है। बच्चा तेरी ये कमी मैं इसको पूरे करने के लिए आया हूं। क्या कहा मैंने? गुरु की दया को प्राप्त करो, उस पर चलो जो कहा गया है। वो जो गुरु कोई बात कहता है उनका उसमें स्वार्थ नहीं होता। जो स्वार्थ से बात कही जाती है वो दया नहीं होती। ये भी बात मैं आपको बता देता हूं। किसी ने आपको कहा कि ये काम करो और पैसे इतने लगाओ, वो दया नहीं होगी। वो दया नहीं है, वो तो सौदा है। या कई मैंने सुना है कई ऐसी महात्मा है जिन्होंने नामदान के लिए फीस रखी हुई है। दर्शन करने तो इतने फीस, बीजिक लेना तो इतनी फीस, नाम लेना तो इतनी फीस। वो कोई दया थोड़ी है, वो तो सौदा है, वो नहीं आपका काम करेगा। निर्बंध पुरुष जिसको कोई आपसे मतलब नहीं है, मतलब केवल इतना है कि वो तुम्हें अपना अंश समझता है कि ये मेरा ही रूप है, और वो तुम्हें कोई आदेश देता है बेटा तू मेरा ही रूप है और मेरे में ही आ जाना। आपने क्या कहा मैंने? इसलिए दाता दयाल जी ने कहा है। क्या कहा फिर पढ़ो। गुरु की दया से काज संवारो, बनत बनत बन जाई, वो सब कुछ बन जाएगा फिर तुम्हारा। कभी कोई कमी रहेगी नहीं, कभी नहीं। आगे अवसर पाया नर तन पाया, दुर्लभ अधिक अनुपा। ये जो शरीर हमें मिला ये सुर से देवताओं से भी पवित्र है। देवता कहते इसके लिए तड़पते हैं। शिव भी तड़प रहा है, ब्रह्मा भी तड़प रहा है, विष्णु भी तड़प रहे हैं कि हमें भी जन्म मिले तो हम भी मालिक में वापस चले जाएं। अगर वो कहीं है, अगर वो कहीं माने जा, जैसे दुनिया ने माना कि वो है, मैं कहता हूं वो नहीं है। एक असूल है, एक असूल है प्रकृति में पैदा करने का, एक असूल है प्रकृति में एक पालन पोषण का असूल कम कर रहा है, और प्रकृति में एक उसको खत्म करने का असूल कम कर रहा है। जो उपजे सो विदसै, ये लिखा है वहां। मैं नहीं मानता कि वो है, क्योंकि कबीर साहब ने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश सिर लागे काई, इनके सिर पर काई लगी हुई है तो ये तुम्हारा क्या भला करेंगे? ये तो खुद फंसे हुए हैं बेचारे, ये नहीं भला करेंगे। तुम्हारा भला गुरु की संगत से होगा। इसीलिए कहा, क्या कहा शास्त्रों में कहा, फिर भी दुनिया नहीं मानती, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मे श्री गुरु वे नमः। गुरु ही तो है ब्रह्मा विष्णु सब कुछ। और फिर कह दिया शास्त्रों में लिखा है, मैं नहीं कहता, सनातन धर्म के जो नियम है, क्या सनातन धर्म वाले मानते हैं? गुरु वाक्यम मूल मंत्रम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। वाह वाह वाह, भगवान की कृपा से नहीं तुम पार जाओगे। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु की कृपा से तुम जाओगे। और गुरु की कृपा क्या है? गुरु तुम्हें ज्ञान देता है, पूर्ण ज्ञान देता है कि बेटा तू ये नहीं ये है, तू ये नहीं ये है, तुम्हें ये नहीं करना ये करना है। तो गुरु कृपा हुई कि नहीं हुई? गुरु बिन ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना मोक्ष नहीं। कोई तुम्हें किताब मोक्ष दे देगी? क्या तुम्हें शास्त्र कोई मोक्ष देगा? नहीं, तुम्हें गुरु का ज्ञान मोक्ष देगा। तुम्हें गुरु का ज्ञान बंधन से मुक्त करेगा। तुम्हें गुरु का ज्ञान तुम्हारे मन को ठीक रास्ते पर लगाएगा, और कोई चीज तुम्हें ठीक रास्ते पर नहीं लगा सकती। इसलिए गुरु के चरणों में बैठकर ज्ञान को प्राप्त करना है। ये नहीं गए
ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਭੰਡਾਰਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਭੰਡਾਰੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਤ ਕੋ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰ, ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੂੰ। ਮੈਂ ਇਸਕੋ ਸਮਝਾਤਾ ਹੂੰ ਲੋਗੋ ਕੇ, ਔਰ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਢੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਭੰਡਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਬਈ? ਹੈਂ, ਕੋਈ ਭੰਡਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਕੇ ਚਲੋ। ਓ ਸਰ ਪਾਇਆ ਨਰ ਤਨ ਪਾਇਆ, ਦੁਰਲਭ ਆਦਿ ਕੇ ਅਨੂਪਾ। ਕਿਆ ਕਹਾ? ਆਓ ਸਰ ਪਾਇਆ ਨਰ ਤਨ ਪਾਇਆ, ਦੁਰਲਭ ਆਦਿ ਕੇ ਅਨੂਪਾ। ਗੁਰੂ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਸਮਰਥ ਹੈ, ਉਸ ਵੋ ਉਸਕੋ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਸਕੋ ਪਤਾ ਹੈ। गुरु क्या है? गुरु माल के कुल है, वो इंसान नहीं है, इंसान के झोले में आया है। ये कबीर साहब ने बड़े ऊंचे स्वर में कहा, गुरु को मानुष जानते ते नर के ये अन्न, दुखी हुए संसार में आगे जम का फन। गुरु क्या है देखो सतगुरु की नाना, कहे कबीर ता दास को तीन ता भरमा। गुरु हमें सतगुरु से मिलाता है, सतगुरु और है, गुरु और है। गुरु बाहर है, हमारे जैसा रूप धारण करके इंसान के रूप में आया है, अपने ज्ञान रूपी शब्द के साथ हमें हमारे अंदर जो गुरु बैठा है उसको मिला देता है। और वो गुरु क्या है? वो है प्रकाश और वो है शब्द। और जो प्रकाश और शब्द को सुनने वाला, प्रकाश को देखने वाला और शब्द को सुनने वाला तुम्हारे अंदर बैठा है, वो तुम हो, वो सुरत है। तुम वहां शरीर नहीं हो, तुम वहां मन भी नहीं हो, तुम वहां आत्मा भी नहीं हो, तुम निर्लेप अकेले केवल सुरत रूप में हो। और जो शब्द को सुन रही है और प्रकाश को देख रही है, क्या बात कहा? मैं क्या कहूं आपको? मैं आपको बता अपनी जिंदगी की बात बताता हूँ। मैंने देखा है मौत क्या है, मैंने देखा है मौत। मेरे दादा ने मेरे बड़े अनुभव करवाए हैं, और अनुभव के आधार पर मैं बोलता हूँ कि मैं बिलासपुर में था, 1973 की बात है। मेरा तीसरा बेटा ना 2-3 महीने का होगा, वो भी सोया है। दरमियान में मेरी पत्नी है, इधर मैं सोया हूँ। रात के 1 या 2 बजे, वहां घड़ी नहीं लगी थी, 1 या 2 बजे होंगे, मेरे कमरे में बहुत बड़ी रोशनी हुई। मेरे कमरे में रोशनी हुई, रोशनी जब हुई तो क्या देखता हूं कि मेरे शरीर से कोई चीज निकली है, मेरे शरीर से कोई चीज निकली है, वो इतनी ऊंची है जितनी ये लाइट जल रही है ये। और मैं वहां से मैं अपने शरीर को देख रहा हूं, मेरा शरीर पड़ा है, मेरी वाइफ का शरीर पड़ा है, मेरे बच्चे का शरीर पड़ा है। मैं लाइट को भी देख रहा हूं और अपनी बॉडी को भी देख रहा हूं, पत्नी को भी देख रहा हूं, बच्चे को भी देख रहा हूं। और जब मेरा ये अनुभव हो गया तो वो लाइट चली गई और मैं बॉडी में आ गया। और बहुत देर मैं उसी विचार में रहा कि ये क्या था, वो मौत थी। अनुभव करवाया मालिक ने कि तू बॉडी नहीं है, तू शरीर नहीं है, तू प्रकाश रूप है। क्या कहा मैंने? तो मैं इस बात के बाद फिर मैं इस बात को मानू नहीं कि जो शरीर से निकलने वाली चीज वो अलग है, वो मन नहीं है। वहां मन तो था ही नहीं, मैं तो देख रहा हूं, आंख भी मेरी है, अलग हूं मैं बॉडी से, अलग हूं, बॉडी तो पड़ी है। तो किसकी दया? गुरु तुम्हारा तुम्हारी जिंदगी में आपको अंतिम अभ्यास भी करवा देता है और फिर तुम्हें ठहरा देता है। क्या क्या ठहरा देता है? सुरत शब्द दो अनुभव रूपा, तू तो पड़ा भ्रम के कूपा। वो अनुभव हो गया कि ना मैं शरीर हूं, ना मैं मन हूं, ना मैं आत्मा हूं, मैं एक अलग चीज हूं जो प्रकाश को देखता है और जो शब्द को सुनता है, और वो माल के कुल के अंश है। तो फिर कहाँ जाना है? वापस आना है।
कहाँ वापस आना, क्यों आना वापस? वहां से वापस आना का मतलब ही कोई नहीं है। क्या कहा मैंने? अब महाराज बाबा फकीर जी के दरबार में आए हो, बात को पकड़ो। और ये कहा है दाता दयाल, तुम उनकी दया को प्राप्त करो बस, और कुछ नहीं। ये उनकी दया से मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, कुछ लेने के लिए बैठा हूं ना? कुछ नहीं चाहिए मुझे, मुझे केवल सतगुरु की दया चाहिए, उनकी कृपा चाहिए, उनका मार्गदर्शन जिस पर मैं चलना चाहता हूं उस पर ही चलता रहूं। बाकी क्या परवाह करने किसी बात की? उस रास्ते पर चलोगे, दुनिया की बात छोड़ देते हैं आदमी, क्या कहूं मैं, आगे चलो। कर सत्संग सारे कुछ समझो, कर सत्संग सारे कुछ समझो, निरखो अपना रूपा। यो बात ही खत्म कर दी दाता दयाल ने, तो कमाल कर दिया। कर सत्संग, बात को समझो, देखो अपना रूपा। कहां मिलेगा? सत्संग में मिलेगा। वो जो कीर्तन होते हैं, या वो क्या नाम है, संकीर्तन होते हैं, या तालियां बजती हैं, या औरतें और आदमी नाचते हैं, क्या वहां मिलेगा? वहां तुम्हें कहां रास्ता मिलेगा? कहां कहां तुम्हें बताया जाएगा कि जाओ भाई अपना रूप देखो पहले, तब जाप के अपने आप। केवल सतगुरु का संगत ही तुम्हें आपको अपने रूप तक पहुंचाएगी। फिर पढ़ो यही, कर सत्संगत, कर सत्संग सारे कुछ समझो। सार क्या है? सार एक संसार है। संसार को देखने वाली कौन चीज है? वो सार है। बाबा फकीर जी कहा करते थे, सम जब सार को इकट्ठा करो तो वो संसार बनता है। हमारे अंदर जो हमारा सेल्फ है, उसके सामने जो कुछ भी आता है वो संसार है। हम बैठते हैं, आंख बंद की कोई रील चल पड़ी, वो संसार है। उसको समझो कि ये है नहीं, ये कुछ भी नहीं है, मेरे मन के विचार है। उससे ऊपर निकल जाओ, सार मिल गया। और आगे चलोगे सत्संग में बैठे 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 और चोट लगेगी, फिर और चोट लगेगी, फिर और चोट लगेगी। सत्संग में चोट लगती है तब कहां तुम्हारे मन पर चोट लगती है? किस लिए? कि तुम मन से बाहर निकल जाओ और मन से ऊपर चले जाओ। कहां जाओ? जहां तुम्हें अपना रूप पता चले कि तुम कौन हो। क्या कहा मैंने? फिर पढ़ो यही लाइन, कर सत्संग सारे कुछ समझो, निरखो अपना रूपा। ये थोड़ी कहा कि वहां गुरु का रूप देखो, वहां ये तो नहीं कहा कि वहां भगवान कृष्ण का रूप देखो, या भगवान राम का रूप देखो, या किसी देवी का रूप देखो, या किसी कहा नहीं कहा, अपना रूप देखो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा रूप ही उस माल के कुल की अंश है। इसलिए कहा दाता दयाल जी महाराज ने, अरे तुम अपना रूप देखो, उसका रूप पता चल जाए। अरे मैं क्या कहूं, बाबा फकीर जी के शब्द में कैसे कहूं? फरमाया करते थे मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज के, पुराने जमाने में मिट्टी के बर्तन होते थे, उसमें औरतें दाल बनाया करती थी। मुझे बहुत याद आता है ये बात। उसमें दाल बनाती थी, बस दाल धो ली, पानी रख दिया, उसमें दाल भी डाल दी, नमक भी डाल दी, मिर्च भी डाल दी, हल्दी भी डाल दी, और उसको पुड़ोली होती थी, पुड़ोली जिसमें गोबर की पाथियां लगा देती थी, और आग लड़की ऊपर ढक्कन दे दिया, और ढक्कन भी मेरे घर में था इसलिए मुझे पता है, उसमें गलियां होती थी ताकि भाप निकलती जाए, वो उबल ना जाए दाल। माताएं तो जानती होंगी प्राणी जो है, तो घंटे का काम कर लिया, सारा घर का सारा काम कर लिया, दाल जब तक रोटी बननी, फिर देखना कि अब रोटी का टाइम हो गया, चमचा लेना, उसको जैसे छेड़ना, छिड़के देखा एक दोनों ना लिया, दो दाने निकाल लिए, उसको ऐसे मुंह में डाल दिया, देखा बन गई दाल, नमक भी ठीक है, मिर्च भी ठीक है, चल बच्चों बैठो दाल तैयार हो गई, लसी भाई ना थालियां लेके रोटी खा लेनी,
कोई तुड़का नहीं, कोई टमाटर नहीं, देसी घी पा लेना एक चमचा, खा लेंगे असं दो दो तीन तीन फुलके। मेरिया तीन भैन होनिया से इकट्ठे बैठना, बड़ा हसना सी, बड़ा हस हस के रोटियां खानिया। मेरी बात समझ गए? तो मेरे पड़ोसी मेरी ताई होंगी सी, है इन्ह न्याणियों ने तो पता नहीं की हो गया, तो दंद ही निकल रेंगे। खुश होकर रोटी खाते थे, माँ के हाथ की रोटी कहाँ मिलती है। तो बाबा फकीर ने कहा कि माँ एक दाने से सारी हांडी की दाल को पहचान लेती थी कि पक गई। तो आपके अंदर जो बात, जो चीज बैठी, जो सार बैठा है, वो उस मालिक की अंश है। उसको देख लिया तुमने, मालिक से मुलाकात कर ली, ले बात ही खत्म हो गई। तुम्हारे अंदर वो बैठा है, उस अंश को देख लो, उसको पहचान लो, वो ही असली तुम्हारा रूप है। ये तो मिट्टी की माटी, एक माटी एक, साजी सजनहारे पांच पांच के बांटे। हम सब मिट्टी के बर्तन हैं, अलग अलग बन गए, और इन्होंने अंदर जिहड़ी चीज पैनी है वो एक पैनी है। दुध वाला बर्तन च सिर्फ दुध ही पाऊगा, सब्जी जे च बनानी उस च सिर्फ सब्जी बनेगी। ए थोड़ी है कि सब्जी वाले बिच दुध पा दोगे तुसी। हर हर बर्तन अपने अपने काम के लिए बना है। पानी गिलास में पिया जाता है, बाल्टी में नहीं पिया जाता। क्या कहा मैंने, मैं क्या क्या बताऊं आपको मिसाल देकर समझाने की कोशिश करता हूं। हर बर्तन किसी खास काम के लिए बना है, और जो मैं कहता हूं, दावे से कहता हूं, मानवता मंदिर में केवल वो ही आएंगे जिनके भाग्य में इस संसार में सुख है, और जिस जिनको इस संसार से पार जाना है केवल वो ही आएंगे, बाकी दौड़ जाएंगे। क्या कहा मैंने, इससे ज्यादा और मैं क्या कहूंगा, क्योंकि मैंने ऐसा समझा है, मैंने ऐसा समझा है कि मुझे ये ज्ञान कहां मिला, मानवता मंदिर में बैठकर दा परमदयाल जी महाराज के स्वरूप में उनके वचन सुनकर मुझे ये समझ लगी। मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, मैंने केवल उनकी संगत प्राप्त की है, मैंने उनके वचन को समझा है। तुम भी समझो, यहाँ कोई और तो नहीं बोलता है आकर, तो उस चीज को देखना है जो क्या कहा। फिर पढ़ो यही लाइन, कर सत्संग, कर सत्संग सारे कुछ समझो, निरखो अपना रूपा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी गाओ, आगे राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी गाओ, राधा स्वामी ध्यान लगा ने, तो नामदानी दे दिया। राधा स्वामी गाओ भाई, राधा स्वामी गाओ, राधा स्वामी, राधा स्वामी चरण ध्यान कर। राधा स्वामी के चरण क्या है, तुम्हारे अंदर प्रकाश है, वो चरण है। वो चरण नहीं जो ये है, ये नहीं, ये राधा स्वामी के नहीं। राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द पहचान। राधा भी सदा रहने वाली है और शब्द भी सदा रहने वाला है, ये दोनों चीजें अमर हैं, बाकी कुछ भी अमर नहीं है। इसलिए दाता दयाल जी ने तो जाते जाते कह दिया, भाई राधा स्वामी गाओ। कब गाओ, जब अकेले बैठो। कब गाओ, जब फ्री बैठो। फिर देखो तुम्हारी राधा कहाँ है, तुम्हारी राधा कौन है। तुम्हारी सुरत राधा है, जो धारा के रूप में आई वहां से, माल के कुल से। जैसे मैंने बताया सुबह घंटी बजाई, उसमें से हरारत हुई और हरारत के रूप में, हरकत रूप में हमारे अंदर वो आ गई, यहाँ आई, फिर और नीचे आई, फिर और नीचे आई, फिर और नीचे आई, यहाँ आ गई। यहाँ मन पैदा हो गया, बुद्धि पैदा हो गई, अहंकार पैदा हो गया, चित्त पैदा हो गया, फिर नीचे उतरी,
नीचे कबूतरी जब बच्चे ने हाथ फैलाए ऐसे ऐसे किया ऐसे ऐसे करता है ना बच्चा लेटा हुआ टांगे भी मारता है वो सुर फिर तुम्हारे सारे शरीर में चले गए तुम्हारे सारे शरीर में वही चल रही है। फिर क्या करना है सिमरन करना है सिमरन करते करते तुम्हारा शरीर शुद्ध हो जाना चाहिए। शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल गए फिर ध्यान में चले गए वहां मन भी खत्म हो जाएगा फिर उसको सुन समाधि कहते हैं। आगे जाओगे महासुन समाधि हो जाएगी ना वहां शरीर है वहां ना मन है दोनों साइलेंट और तुम आत्म स्वरूप हो जाओगे। फिर गुरु की दया होगी और आगे चलोगे तो तुम्हारे अंदर शब्द भी पैदा हो जाएगा और तुम्हारा रूप तुम्हें पता लग जाएगा तुम कौन हो। आज मैंने बहुत कुछ कह दिया कहने वाले ने कहला दिया कहने वाले ने पहले ही आदेश दे दिया कि ये शब्द ले ले भैया बात समझे आप आते हैं कुछ ले जाओ केले प्रसाद नहीं पे केला ले लिया तो चले गए जो मैं कहता हूं उनको भी ले जाओ और घर में बैठकर चिंतन करो जो बनना चाहते हो कुछ तो सिर्फ सिमरन करो और गुरु का ध्यान करो तुम्हारी दुनिया बनती जाएगी। सिमरन ध्यान से तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होते रहेंगी तुम्हारे काम होते रहेंगे कोई तरद्दुद करने की जरूरत नहीं है और विवेक आएगा आपको समझ लग जाएगी कि ये आदमी कैसा है ये कैसा है तुम उनसे पीछे हटते जाओगे विवेक पैदा हो जाता है सच और झूठ का पता लग जाता है तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी और फिर उसके बाद मालिक की दया हुई तो तुम्हें ये भी रास्ता मिल जाएगा जो मैंने कहा आपको। आप सब सुखी रहो मालिक आपको शरीर की तंदुरुस्ती दे मन को स्थिरता दे आपके घरों में शांति हो और मालिक आपको अपने रास्ते पर चलने के लिए ताकत दे। मेरी शुभकामना सबको राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी।